जय श्री कृष्णा। कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी नसीब में लिखा वही मिलेगा। एक बार शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, तो शिव जी क्यों पार्वती जी मृत्युलोक भ्रमण करवा वास्ते मृत्युलोक में जाना छू, तो पार्वती जी क्यों नी भगवान मुँह भी आपने ला रहे आऊँ। महादेव जी के नी पार्वती जी आप हटीला गणाओ, कटे दुखी कटे सुखी, किने तारो किने नहीं तारो, आप हट गणी करो, आप मार लारे नहीं चालणो। तो पार्वती जी बोलिया नहीं भगवान अब की बार मुँह बिल्कुल भी हट नहीं करूँ। तो महादेव जी पार्वती जी जय रहा आगे एक भील बिलन मूली ले नहीं रहा। तो पार्वती जी क्यों भगवान ऐसी धूप में ये भील बिलन मूली ले नहीं रहा के हाँ दो रोटी वाते लावणो पड़े के ऊपर अनारे पगा में संपल नहीं कहीं नहीं के बस अनारे अतरो किस मल्ले मूली वनार दो पेट भरे जा संपल ही नहीं ले सके के नहीं भगवान आपने अना थोड़ो घो कहीं देवणो पड़े अतरो तावड़ो पड़ी रहो और वन्ना चंपल साली रहा है के पार्वती जी अणा देवा पण अणा नसीब में नहीं है के नहीं कितन नहीं वे आप देवो तो वे ही रो वे के वाह ऐसी करो था केवो जो करो अटे आप एक होनारी ईंट मिल देवा तो ये बिल बिलन आता जाए होनारी ईंट दे के तो ले जाए से के अगर नहीं ले जाए तो के ले जाए से वो भगवान कानी ले जाए पड़ी हुई गला में ले जाए लाने वाते आप होनारी ईंट मिल दो वहीं ईंट होना सब गुजारो भी जाए भगवान भगवान होनारी ईंट मिल दीदी और शिव पार्वती जी अंतर्ज्ञान भी गया भील भीलन आई रहा जी भीलन क्यों कहो भील जी अगर आप ही जही रहा अगर एक दिन आप आंधा भी जावा तो मूली कितर लावा अपन पेट कितर भराए वोतर तो आपने ही नहीं के वो कई होज कीधो आपने ही हो हुजे रोज अने गेले अरा जरा मूली काटी रहा आप आश्रे आश्रे काटी लेवा और ली जावा कि अगर गेलो में कटे आऊ दो साली जावा नहीं सला कि देखो आप परकी तो लेवा के वहाँ परकी लेवा सालो थे आका मिसे दो मुँह आका मिसे दो जना थोड़े आका मिसे सला तो दो जना आका मिसे दीदी आश्रे आश्रे मूली लेन जाई रहा हुआ तो ईट तो निकल गई वहाँ पास आगे जाइन का हाँ हाँ आप निकली सका आप आंधा आका मिसे भी आप साली सका आंधा भी जावा तो आप मूली ली आवा। तो भगवान क्यों देखो पार्वती जी मैं थाने क्यों कणा नसीबे नहीं हो ईट लीधी तो नहीं ईट जगह पर आना तो आका मिसे दीदी है। तो पार्वती जी हटकी थी भगवान अना हाथों हाथ देता तो लेता लेता अभी था तो ईंट मिले जब ईंट हम कान नाले भी तो मना काम करता जा रहा वा के वाह चलो हाथों हाथ देवा यदि भील ने भगवान क्यों भील थू मांग थू कहीं मांगणो सावे जो मुँह थाने देऊँ ला आज थाने थाने पार्वती जी खुश है थारा पे मुँह देणो छू। तो भील देखो मुँह को जाना कहीं मांगून भीलन कई योका मांगियो अने वाते मना क्यों भील भगवान मुँह तो हूँ थोड़ो भोड़ो मारे भीलन है होशियार अने वाते मारे भीलन मांगेला। तो भीलन ने क्यों भाई भीलन थू मांग तो भीलन देखो के धन दान मांगू तो कहीं चीज और कमी पड़ी धन धन्य कहीं करूँ यो आज मैंने बात मैं सब चीज़ मांगी लूँ तो क्या हाँ बिलन मांग के मुँह यो मांगू मार धनी राजो वेणस आवे और मुँह मंडी रानी तो राजा दरबार में सब चीज़ ला दे तो भगवान के वापी थो थार धनी राजो विजाला। तो भील उगू बो हूणी रो भील देखो मार बेटी इन्हें तो मांगा वाते क्यों जो मैंने तो छोड़ी दे दो राजा लगे वनवा निकल गई मैंने भील ने तो भूली गई नहीं याद करी मार धनी राजा वेणस आवे। तो भील देखियो अंडे भी इलाज करना पड़े भगवान मुँह भी कहीं मांगना सौ के मांग के मुँह यूँ सौ मारी या लगे घनकड़ी भी जानी सावे तो भगवान क्यों वापे थारी लगे घनकड़ी भी जाला। तो दन उगो ने बिलन तो घनकड़ी वणी गई और भील वंडो राजा घनकड़ा राजा वणी गयो जो सब घनकड़ा ने भसे सब घनकड़ा ने एक दिन वाली रखे। तो पार्वती जी क्यों भगवान यो कहीं कीधो कि मैं थाने क्यों गणा नसीब में कोई नहीं के नहीं भगवान गलती भी गई मारूँ पास था भील बिलन ही हो सी भील बिलन कीधा है यदि भील ने क्यों भगवान मारो यो कहीं कीधो कि थारे समझवारी बुद्धि भ्रष्ट था समझी नहीं सको अँ क्यों मार धनी राजा वेणस आवे वाते थू तो राजा वनतो या थार राणी वनती के भगवान मैं यूँ होशो कि राजा लगे वणी रही वाह अणी वैसे भील बिल्लाणी हाउसा दो जना पास मूड़ी लावा लगी जाए अणी वास्ते नसीब में वेजोश मले।